गोरखपुर पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड रुद्राज पांडे को गिरफ्तार किया है। दरअसल शातिर रुद्राज ने फेक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर बैंक से 4,45,00,000 रुपए लोन लेकर फ्रॉड किया था। शाहपुर पुलिस ने ग्रीन वैली के रहने वाले आरोपी रुद्राज पांडे को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से लग्जरी कार, लैपटॉप, आधार, पैन कार्ड समेत तमाम कूटरचित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि शाहपुर क्षेत्र के गणेशपुरम नकहा के रहने वाले रियाज ने बालाजीपुरम राप्ती नगर में अपने अंडर कंस्ट्रक्शन मकान 3355 वर्ग फीट के खाली प्लाट को बंधक रखकर ICICI बैंक से 2,45,00,000 रुपए होम लोन लिया। डॉक्यूमेंट्स में मेसर्स रियाज इंटरप्राइजेस के मालिक और उसके बेटे को फर्म में केयर टेकर दिखाया गया था। वहीं रियाज ने शुरुआत में 3 किस्त जमा किया, इसके बाद लोन की EMI देना बंद कर दिया। जब बैंक ने मामले की जांच शुरू की तो सबसे पहले बंधक रखे गए मकान की तफ्तीश की गई तो पता चला कि वह घर दूसरे के नाम पर दर्ज है। इसके बाद हुई जाँच में रियाज के सारे डॉक्यूमेंट फर्जी मिले, जिस पर बैंक की ओर से रियाज के खिलाफ शाहपुर थाने में फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं आगे की जाँच में लोन गारंटर रुद्राज पांडे की गतिविधियां भी संदिग्ध मिली। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव गुरुवर ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना शाहपुर में ICICI बैंक के लोन से संबंधित एक फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिस संबंध में पूर्व में 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। एक मुकदमा 2023 में और एक मुकदमा 2024 में पंजीकृत हुआ है। इसमें बैंक द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि एक रुद्रांश पांडे नाम के व्यक्ति अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के उनके द्वारा 2022 और 2023 में 2 लोन लिए गए, जिसमें कि उनके द्वारा कूट रचित डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए गए। अपने आप को एक जेन्युइन व्यक्ति दिखाने के चक्कर में फर्जी प्रॉपर्टी के दस्तावेज बनाने में उनके द्वारा एक फर्जी रजिस्ट्री भी करवाई गई। अपने आप को एक गल्ला व्यापारी शो करने के चक्कर में अपनी FCI के भी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और IT रिटर्न्स को भी फेक किया गया, जिसके माध्यम से 2 केसेस में टोटल 4,50,00,000 के आसपास का लोन इनके द्वारा लिया गया। कुछ इनके द्वारा इंस्टॉलमेंट्स पे की गई हैं, लेकिन जब ये इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट बंद हुई तो बैंक को इसमें शक हुआ। बैंक के द्वारा इसमें जाँच की गई तो ये सामने आया कि ये दोनों जो लोन लिए गए थे, इसमें जो वेरिफिकेशन के समय पर अपनी डिटेल दी गई थी वो फर्जी थी। इसमें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और एड्रेस भी फर्जी थे, जिस कारण से ये लोन डिफॉल्ट हुए हैं। इस संबंध में बैंक द्वारा 2 मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं। इसमें मुख्य अभियुक्त रुद्रांश पांडे, जो कि दोनों लोन में मुख्य अभियुक्त और मुख्य साजिशकर्ता है, उसको अरेस्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त बैंक की FIR में और भी लोग नामजद हैं, जिसमें कि जो रुद्राज पांडे है उसकी मदर का अकाउंट भी इसमें यूज हुआ है। उसका एक सहयोगी जिसका कि नाम रियाज बताया जा रहा है, वो उसके द्वारा भी अपनी पहचान को दस्तावेज के माध्यम से फर्जी पहचान बनाई गई है, उसके अकाउंट में भी पैसे गए हैं। इस संबंध में इसकी रुद्राज पांडे की अरेस्टिंग हुई है। साथ ही साथ जो बाकी अभियुक्त हैं उनकी तलाश जारी है। इस संबंध में जो बैंक है उससे भी डिटेल्स मांगी जा रही है कि लोन देने के समय पर कौन कौन सी वेरिफिकेशन प्रोसेस को फॉलो किया गया, या KYC या बाकी अन्य जो उनके यहाँ प्रावधान होते हैं क्या उनका फॉलो किया गया, कौन कौन कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व थे, वो पूरी डिटेल उनसे मांगी जा रही है। ये इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई है। इसमें जो अभियुक्त है उसके कब्जे से कई ऐसी चीज़ें बरामद हुई हैं जो कि ये शो करती हैं कि काफ़ी प्लानिंग करके उसके द्वारा ये पूरी घटना कारित की गई है। इसमें एक टोयोटा फॉर्च्यूनर, लैपटॉप, 10 पैन कार्ड जो इसके पास से बरामद हुए हैं, 6 ATM कार्ड, 25 चेकबुक इसके पास से बरामद हुई है, पासबुक हुई है, सील मोहर, बाकी अन्य पेन ड्राइव वगैरह भी इससे यहाँ से बरामद हुई है। इस घटना करने के बाद इसकी प्लानिंग ये थी कि इसी तरह से फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर और भी लोन फ्यूचर में इसके द्वारा लिए जाएँ और फर्जीवाड़ा किया जाए। इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इसके सहयोगियों की तलाश की जा रही है, उनको भी जल्द ही अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा और आगे चल के इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की जाएगी। इस पूरे अनावरण में जो कार्रवाई होनी है उसके लिए इनके द्वारा ही इसकी सुपरविजन की जाएगी। जल्दी इसमें और कार्रवाइयां सामने। सर, क्या इसके पहले भी ये सब इस तरह की घटना
देखिए अभी तक दो ये संज्ञान में आई हैं, बाकी इनसे पूछताछ की गई है, इनको पीसीआर पे लेकर भी और इनसे बरामदगी और पूछताछ की जाएगी ताकि और घटनाओं का भी इसमें खुलासा हो सके।